सरकार या तो नई भर्तियां लागू करे या तो सरकार हमारा मतलब हमार को कहीं सड़क में खड़ा करके गोली मरवा दे ताकि हम लोग मतलब इस चीज से दूरी हो जाए, क्योंकि हम लोग सरकार से बिल्कुल रुष्ट हो चुके हैं। हम लोगों को अगर सड़कों में भी उतरना पड़े तो हम लोग उतरेंगे, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा, चक्का जाम करेंगे। हमारी स्थितियां इस टाइम बदतर हो गई है, हमने प्रोटेस्ट करना है, हम सचिवालय का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम भी करेंगे। आप यहाँ पर आज जुटे हैं, क्या मांग जो है आप सरकार से कर रहे हैं? एक्चुअल में हमारी सरकार से सीधे तौर पे जो मांग है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है। दूसरी सेकेंडली जो भर्तियाँ एक्चुअल में आउटसोर्स पर्पज से हो रही है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज अगर सारी रिक्रूटमेंट आउटसोर्स पर्पज से होती है तो जो पढ़ लिख रहे हैं युवा वो कहाँ जाएंगे? आज सरकार बोलती है कि हमारे पास जितने भी पद होंगे मतलब खाली हैं, अगर वो आउटसोर्सिंग पर्पज से भरे जाएंगे तो जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी रिक्रूटमेंट कब होगी? आउटसोर्स पर्पज से ऐसे भी मतलब कई पदों पे बंदे बैठे हैं जिनकी एजुकेशन नील है, कोई 10वीं पढ़ा लिखा है, कोई 12वीं पढ़ा लिखा है। इससे बढ़िया तो हम यही चाहते हैं कि एक्चुअल में आगे जो भर्ती वो कमीशन बेस पे हो, एक पेपर ऑर्गेनाइज करे, वहाँ जिसकी जो मेरिट बनती है उसकी योग्यता के अनुसार पदों का चयन हो। सेकेंडली हमारा जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट को ही लेके है, क्योंकि आज का जो युवा है एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोगों को आज सड़क पे उतरने पर विवश होना पड़ा है। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि आउटसोर्स पर्पज से जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। सेकेंडली मतलब जो यहाँ पे बेरोजगारी है उसके बारे में वो तुरंत कोई कदम उठाए, और बाकी और दूसरी एज लिमिट का बहुत बड़ा इशू बन गया है। पिछले दो साल से मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि हमने 30,000 रोजगार दिए, हम लोगों को तो नहीं पता कि रोजगार कहाँ पे है। दूसरी हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी मतलब पद खाली पड़े हैं उसमें कमीशन करवाए या किसी अदर तरीके से भर्ती हो, लेकिन जल्द से जल्द सरकार नई रिक्रूटमेंट करे, क्योंकि पिछले दो साल से हमारी समझ से अभी तक कोई भी पद नहीं भरा गया है। पद भरने का मतलब ये होता है अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं वो भर्ती हम लोग मानते हैं कि एक्चुअल वे में हुई है। गिनने को तो हम लोग भी दुनिया भर के पद गिनवा देंगे, अब कागजों में अगर वो भर्तियां हुई है तो कहाँ हुई है उसका एक्चुअल डाटा गवर्नमेंट हमारे साथ शेयर करे। हम लोग सरकार से बिल्कुल रुष्ट हो चुके हैं, हम लोगों को अगर सड़कों में भी उतरना पड़े तो हम लोग उतरेंगे, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा, चक्का जाम करेंगे। हमारी स्थितियां इस टाइम बदतर हो गई है, सरकार या तो नई भर्तियां लागू करे या तो सरकार हमारा मतलब हमार को कहीं सड़क में खड़ा करके गोली मरवा दे ताकि हम लोग मतलब इस चीज से दूरी हो जाए, क्योंकि रोजगार के सारे अवसर और सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। सरकार तो कह रही है कि पिछले दो सालों के दौरान जो 28,000 से ज्यादा नौकरियां सरकार दी गई है। सरकार क्या बोल रही है हम लोगों को उस चीज का नहीं है पता, वो 28,000 नौकरियां कहाँ है? कम से कम गवर्नमेंट उस चीज का तो डाटा दे। वो कागजों में उन्होंने दे दिया कि हम लोगों ने जी इतने पद भर दिए हैं, एक्चुअल में वो सिर्फ कागजों में है, बाकी भर्तियां तो हमारी समझ से अभी तक एक भी नहीं हो रखी है। कई विभागों में जो है पुनः रोजगार दिया जा रहा है रिटायरमेंट होने के बाद। देखिए सर, आज की डेट में रोजगार एक्स सर्विसमैन पर्सन को मिल रहा है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं उन्हीं पर्सनों को दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है। अगर उन्हीं लोगों को रोजगार देना है तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? उससे बढ़िया तो ये जितने भी स्कूली संस्थान या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोले गए हैं इनको बंद कर दो, इनमें ताला लगा दो, फिर ये लाइब्रेरियां किस काम की है? हमने एक्चुअल में तैयारी किस चीज की करनी है अगर आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से ही सबको लेना है? आज आप लोग यहाँ पर जुटे हैं, क्या करेंगे? सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे? सेशन भी चला है, मानसून सत्र चल रहा है, क्या करेंगे? सर अभी तो हम आगे की रणनीति बना रहे हैं, फिलहाल तो हम लोग प्रोटेस्ट की एक डेट तैयार कर रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है, हम सचिवालय का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम भी करेंगे, लेकिन सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द
बेरोजगारी के इस मुद्दे पे ध्यान दे और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सशक्त कदम उठाए। किसी अधिकारी से मिलेंगे आज? सर आज हम लोग डीसी ऑफिस और एसपी साहब से मिलेंगे। हम इंटीमेशन के तौर पे उनको एप्लीकेशन देंगे। हमने प्रोटेस्ट के लिए एक डेट फिक्स करनी है, उसके लिए हमने उनको इंटीमेट करना है। अपना परिचय दीजिए। मैं ललित शर्मा युवा मांगे रोजगार में अध्यक्ष के पद पर चयनित हुआ हूँ। धन्यवाद।